अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेजबान सादिक बाल अपने चैनल वेलकम खान। दोस्तों आपको पता है कि 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक एमनेस्टी की कोई खबर ही नहीं है। एमनेस्टी कब ओपन होगी, कौन सी डेट है? भाई डेट तो तब रखें जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ जाए। पार्लियामेंट ने भेजनी है इमिग्रेशन को और आपने देखा होगा कि जो छापों की बरसात शुरू हो गई है उसमें लोग अब परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीति पटेल का एक और प्लान, एमनेस्टी क्यों बंद है? हम आपने पिटीशन दायर कर दी, फिर एमनेस्टी क्यों बंद है अभी तक? तफसीलात न्यूज़ एंकर और तमाम जो न्यूज़ चैनल है ना दोस्तों, उनमें ये बताया जा रहा है कि पिटीशन और सारे का सारा जो किरदार है वो प्रीति पटेल अदा कर रही है। तमाम जो इमिग्रेशन है, होम ऑफिस हैं, वो सब इसके तहत हैं, मातहत हैं। लेकिन ये आखिर एमनेस्टी कब ओपन होगी? तो प्रीति पटेल ने वाजह कर दिया है कि फिलहाल इसके कोई चांस नहीं है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे न्यूज़ और तजिए जा रही है, इससे पहले हम शायद एक बार यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस बना चुके हैं कि सारी की सारी जो गेम है ना वो पीछे से बोरिस जॉनसन, इमिग्रेशन अफसरान, दीगर जो पार्टीज़ हैं वो इसको हैंडल कर रही हैं। ठीक है ना, तो जब वो हैंडल कर रही हैं और इसको फ्रंट लाइन पर उन्होंने रख दिया है, और फ्रंट लाइन पर रखने के बाद यकीन करें पटिशन के बाद जो छापों में इजाफा हुआ दोस्तों वो गिनती में भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, लेकिन अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? अब तो सोलिसिटर भी खामोश हैं, माहिर इमिग्रेशन खामोश हैं, जस्ट स्कॉटलैंड की हुकूमत बोल रही है तो सुन कोई नहीं रहा है, और कोई बोलता है तो उसकी सुनी नहीं जा रही है। हर तरफ जनाब चर्चे हैं प्रीति पटेल के, और प्रीति पटेल ने ये भी बयान दिया है दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल को देखते हैं, ब्रिटिश न्यूज़ चैनल की तरफ से जो न्यूज़ है, ये BBC को उसने इंटरव्यू में दिया है कि मैं मुकम्मल खात्मा करना चाहती हूँ। यार इसने अपने बंदों के खिलाफ क्या किया पता है? इंडियंस की है ये, और इंडियन के खिलाफ 40,000 की डिपुटेशन लिस्ट इसने तैयार कर ली। पता नहीं यार बोरिस जॉनसन ने इस पर साइन क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सियासी चाल है। अभी पटिशन आदमी थी तो हमने आपको बता दिया था, हमने पहले आपको ये एडवांस में बता दिया था कि ये कोई ना कोई गेम खेलेंगे पटिशन। कई लोग तो यहाँ पर इतने परेशान हो गए कि ये जो पटिशन है ये हमें डिपोर्ट करने के लिए हमारे अपने हाथों से ये डिपोर्ट कर रहे हैं। भाई ठीक है, माँ इनका क्या है, आप इस फॉर्म को ये किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना? हर बंदा सोचता तो है ना भाई। बहरहाल दोस्तों इस हवाले से काफ़ी सारे तजिए और मुबैसे जारी हैं UK में, और इस वक्त सोलिसिटर या माहिर इमिग्रेशन का यहाँ पर बोलना बहुत ही लाजमी है। तफसीलात के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो तमाम लोगों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दी गई सामने वेबसाइट महमूदिया ट्रैवल.com को जरूर विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।